अच्छा अब ये मल्टी लेयर्ड वेब आर्किटेक्चर अब यहाँ पे इससे पहले मैं जवाब ये देना चाहूंगा कि मल्टीपल लेयर्ड मेटा वेब है क्या मल्टी लेयर्ड मेटा वेब एक कोशिश है एक काविश है टू अंडरस्टैंड द कंटेंट्स ऑफ डब्ल्यू वेब यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ कि जो कंटेंट्स हैं वेब के उनको अंडरस्टैंड करने के लिए जो एक अप्रोच है दैट इज कॉल्ड मल्टीपल लेयर्ड मेटा वेब अब इसमें हो क्या रहा है कि जो डेली लाइफ की इंफॉर्मेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है उसमें टेक्चुअल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे ये उसमें इमेजेज होते हैं उसमें बुक्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है उसमें डाटा होते हैं उसमें गेम्स होती है उसमें फैमिली लाइफ होती है उसमें ये गेम्स होती हैं उसमें मैप्स होते हैं एंटरटेनमेंट की चीज़ें होती हैं तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये है लेयर ज़ीरो जो एंड लेयर है यानी कि जिसके साथ इंटरेक्शन चलता है अब होता क्या इनको हम लेयर वन पे जनरलाइज करते हैं फिर लेयर एन तक हम जनरलाइज करते जाते हैं जितनी ज़्यादा जनरलाइज इंफॉर्मेशन होगी उतनी ज़्यादा वो यूज़फुल होगी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या है वो एक स्पेसिफिक यूजर की नीड को फुलफ़िल कर सकती है लेकिन जेनेरिक इंफॉर्मेशन क्या है वो एक ही टाइम पे लाखों करोड़ों लोगों की इंफॉर्मेशन को या इंफॉर्मेशन नीड को फुलफ़िल कर सकती है तो ये है लेयर एन का काम अच्छा अब होता क्या है हमारे पास हाउ टू मेक दिस मल्टी लेयर मेटा वेब इसके लिए जो टेक्निक है दैट इज़ बेस्ड ऑन एक्सएमएल एक्सएमएल अब क्या है एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज ये करती क्या है इट फैसिलिटेट स्ट्रक्चर एंड मेटा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन

तो अब हमारे पास वो कह रहा है कि मल्टी लेयर वेब को बनाने के लिए हमें एग्जामल भी चाहिए डीबी स्कीमा भी चाहिए क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ वेब डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए जो सब कंबाइन हो के हमें एक मल्टी लेयर वेब की तरफ मूव करवाते हैं इसके अलावा हमें क्या चाहिए हमें ऑटोमेटिक रैंकिंग एलग्रिजम चाहिए वेब पेजेस के जिनकी मदद मतलब से हम ये कर सकें कि जो हमारे पास वेब पेजेस हैं उन्हें ऑटोमेटिकली रैंक कर सकें इसी तरह हमारे पास जनरलाइजेशन की टेक्निक्स चाहिए मल्टी वेब की कंस्ट्रक्शन के लिए जिसमें क्लस्टरिंग क्लासिफिकेशन एंड सो ऑन अच्छा अब होगा क्या इससे मुराद हम ये लेंगे कि हमने अभी तक जो सारा कोर्स में पढ़ा वो सब इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए अगर हम एक यूजफुल वेब माइनिंग की एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं और एंड रिजल्ट क्या होगा कि इसका एडवांटेज क्या होगा अगर हम इस तरह का एक मल्टी लेयर वेब मेटा वेब बना लेते हैं तो इसके एडवांटेज कुछ इस तरह के होंगे नंबर वन मल्टी डायमेंशनल वेब इन्फॉर्मेशन समरी एनालिसिस कि हम वेब की जो इंफॉर्मेशन मौजूद है उसको समराइज फॉर्म में देख सकेंगे सेकेंड फ़ायदा क्या होगा कि हम इंटेलिजेंट क्यूरी आंसरिंग कर सकेंगे जो हमारी इंफॉर्मेशन नीड्स के एन मुताबिक होगा कि जो भी हम क्यूरी देखेंगे उसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास मौजूद होगा तीसरा हम क्या करेंगे वेब हाई लेवल क्यूरी आंसरिंग होगी हमारे पास जैसे वेब मशीन लर्निंग है वेब एसक्यूएल है चौथा हमारे पास क्या होगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो वेब का कॉन्टेंट है उसे हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में रख सकेंगे और फिर हम उसकी ऑब्जर्व कर सकेंगे डायनेमिक्स एंड रिविलेशन ऑफ द वेब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम ये देख सकेंगे कि वेब कैसे एवेल्यूएट कैसे हो रहा है उसमें डायनेमिकली क्या चेंजेस आ रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम या जो हमारे पेजेस थे जिनमें से हमने इंटरेस्ट के इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे थे उनमें विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या चीज़ें निकलती जा रही हैं अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये मल्टी लेयर वेब जो है बन भी सकता है इज़ इट रियलिस्टिक टू कंस्ट्रक्ट सच अ मेटा वेब अब आंसर ये है कि अगर ये पूरा ना भी बने पार्शल भी बन जाए तब भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है अच्छा और बेनिफिट्स में जस्टिफाई द कॉस्ट ऑफ टूल डेवलपमेंट स्टैंडर्डाइजेशन एंड पार्शियल रिकंस्ट्रक्शन जैसे मैंने अभी लास्ट स्लाइड में बोला कि इसके इतने ज़्यादा एडवांटेज हैं कि अगर ये पार्शियल भी बन जाए और इस बहुत ज़्यादा कॉस्ट अक्कर भी हो जाए तब भी इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आउटरेट कर जाएंगे बाकी इसकी कॉस्ट को और इसके ऊपर जो एफर्ट होगी यूजर्स की ह्यूमस की एल्ग्रदम्स की उन सबको ये आउट क्लास कर जाएंगे जो इसके एडवांटेजेस हैं तो हमारे पास कंक्लूजन क्या है बेसिकली कि वेब माइनिंग जो है एक फ्यूचर है विच नीड्स टू बी इंटरप्रेटेड जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए और इस कोर्स के अंदर भी हम ये करेंगे कि आल दो हमने कंसेप्ट तो कुछ डिस्कस किए वेब माइनिंग के लेकिन मे बी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड डिस्कशन नहीं हो पाई तो हम इससे रिलिवेंट आपको इस कोर्स में एक या दो असाइनमेंट्स देंगे जिनको आप यूज़ करोगे बेस्ड ऑन वेब बेस्ड डाटा और अप्लाई क्या करोगे डाटा माइनिंग टेक्निक्स डाटा माइनिंग टेक्निक्स को वेब बेस्ड डाटा पे अप्लाई करके वेब माइनिंग की कुछ यूजफुल एप्लीकेशन बनाओगे मे बी वो 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 इंफॉर्मेशन एक्सटेक्शन हो मे बी वो इफार्मेशन रिट्रीवल हो मे बी वो कैटेगराइजेशन हो मे वो यूज़र प्रोफाइलिंग हो वट एवर लेकिन इस तरह की असाइनमेंट्स हम आपको ख़ुद भी देंगे और आपसे भी रिक्वेस्ट ये करेंगे कि आप इंटरनेट सोसिस पे सर्च करें कि डेटा माइनिंग को वेब माइनिंग के लिए कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन सी यूजफुल एप्लीकेशनस बनाई जा सकती हैं फॉर सक्सेसफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वेब रिलेटेड डाटा